नमस्कार, आज मैं पुनः आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ बहुत ही ज्वलंत मुद्दों को लेकर। ज्वलंत मुद्दे मतलब इतने बड़े भी नहीं हैं, लेकिन वो हम सभी के जीवनचर्या का एक हिस्सा हैं। चाहे वो नौकरी पेशा आदमी हो, चाहे दुकानदार हो, या कहीं से उसकी कोई आमदनी हो रही हो। इनकम टैक्स रिटर्न, इंडिया में हम लोग हैं तो ITR फाइलिंग कई लोग के जहन में है, बड़ा पेचीदा है और कठिन है, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। वो पहले शायद ऐसा था जबकि ऑनलाइन नहीं था, डिजिटली उतना हम लोग वो साउंड नहीं थे, लेकिन अब ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। ख़ास तौर पे अगर आपका आधार है, पैन कार्ड है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान है अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाएं। जैसा कि इस समय 2018 है, 31 जुलाई लास्ट डेट अनाउंस हुई है इनकम टैक्स रिटर्न की, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सब लोग इनकम टैक्स रिटर्न अपना जमा कर चुके होंगे या ITR फाइलिंग करवाने की सोच रहे होंगे। तो अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए और भी कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, आप फाइलिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो लिंक पे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ब्लॉग भी शुरू किया गया है, sangharshrao.blogspot.com, उस पर भी आप कमेंट लिख के ये जान सकते हैं। अगले वीडियो में मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा कि आप खुद से, स्वयं से अपना ITR रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो एक चीज लेके आप लोग के सम्मुख आया हूँ वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दिमाग में लोगों को आता है, अरे भाई क्या करवाना है, या इनकम टैक्स से बचत है, ये है वो है, लेकिन मैं पर्टिकुलर उस इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ जो मुझे, जहां तक मुझे लगता है, मैं अपने जानने वालों को बताता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस, वो बहुत जरूरी होता है। लाइफ इंश्योरेंस आप शायद करवाएं, एक बार ना भी करवाएं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि आजकल के समय में ये जो खान पान रहन सहन इतना बिगड़ गया है, हम लोग की सेहत कब बिगड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। कब हमारे रिलेटिव, कब हमारे नियर डियर, हमारे माता पिता, पत्नी, बच्चों को कुछ हो जाए, कोई नहीं जानता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत लोगों को तुरंत करवा लेना चाहिए, और ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता। सबसे बड़ा मिथ जो मैं आप लोग के सामने आया हूँ, ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता है। भारत सरकार ने भी कई योजनाएं लागू कर दी हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं, और प्रेजेंटली कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनसे ले सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे मेरी उम्र 36 साल, मेरी पत्नी और मेरे बच्ची का मैंने इंश्योरेंस करवाया था, आज से शायद 4-5 साल हो गए हैं, वो सतत चल रहा है। और हेल्थ इंश्योरेंस करवाने में मैं आपको बता दूं, आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, और इस साल वो बेनिफिट, आने वाले वित्तीय वर्ष में वो बेनिफिट बढ़कर 1,00,000 हो गया है। जी हाँ, 1,00,000 तक आप बचत कर सकते हैं 80D के अंतर्गत। 80D एक क्लॉज है हेल्थ इंश्योरेंस का, उसके अंतर्गत आप बचत कर सकते हैं। आपने ठीक सुना, पूरे 1,00,000। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं कि आप कितने कम से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये देखिए, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, यूनिवर्सल सॉम्पो हेल्थ इंश्योरेंस। मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि रियली ये बहुत ही सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस है। और जैसे मेरा एक अकाउंट इंडियन ओवरसीज बैंक में भी है, तो ये शायद इन्होंने कुछ इंडियन ओवरसीज बैंक से कुछ टाइप भी किया हुआ है। ये बहुत ही, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये पैकेट अभी आया है, कुछ दिन हुए हैं, अभी मैंने इसको सील खोला भी नहीं है। मैं आपको अनपैकिंग करके इसकी दिखाऊंगा, और भी इनके कई प्रोडक्ट हैं, लेकिन फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ, फिर खोल के मैं आपको दिखाऊंगा कितने कम में, लगभग ये मतलब सालाना आप अगर जोड़ेंगे तो मतलब 1,000 से 2,000 के बीच में आप एक एवरेज फैमिली का आदमी करवा सकता है, और आपको करवाना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आप ये देख सकते हैं, मोबाइल का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो थोड़ा उसको बियर करिएगा। इसमें ये भी है कि ये हम लोग लिख के भेज देंगे कि हाँ ये हम लोग को प्राप्त हो गई है, बाय पोस्ट आया है, इंडियन
स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से आया है, इसको आइए खोलते हैं तो मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। तो एक तो ये बाहर ही है और इसमें से कुछ चीज़ें आई हैं। ये एक हेल्थ सर्व गाइड है, इसमें वो होगा हेल्थ कार्ड होंगे ये तीनों लोग के, और ये पॉलिसी है, पॉलिसी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये देखिए संघर्ष राव, और ये देखिए इसमें ये भी है कितने लोग इसमें इंश्योर हैं, तीन लोग का जैसे ये है इंश्योरेंस। और इसका टोटल प्रीमियम देखिए आप कितना कम है, 1322 रुपये आ रहा है, केवल 1322। और ये सालाना है, और आप ये 50,000 का इसमें हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा, मतलब 50,000। ये देखिए इसमें यहाँ पॉलिसी ईयर दिखा रहा है, तो 2014 से ये पॉलिसी चल रही है। यहाँ पे ये भी दिखा रहा है, ये भी रिलेशनशिप विद प्रपोजर भी दिखा रहा है। और ये देखिए इसमें बहुत अच्छी तरह समझाया भी गया है कि किन किन चीज़ों का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। ये देखिए ये आपका सर्टिफिकेट है जो ये कह रहा है कि 80D में आप बचत ले सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है इतने रुपए हैं, इसको आप 80D में, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है 80D इनकम टैक्स एक्ट। अब इसके बाद ये देखिए ये हेल्थ कार्ड होते हैं जो कि कैशलेस सुविधा के लिए होते हैं। आप किसी भी अस्पताल में आप जाइए जो कि इनके पैनल में हो, तो आप वहाँ से ये ले सकते हैं। ये खोल के देखते हैं इसको ज़रा, ये देखिए ये है ना, ये हेल्थ कार्ड लिखा हुआ, इनको रखते हैं। ये देखिए तीन कार्ड फॉर एग्जांपल आया है, तीन लोग का, तीन फैमिली मेंबर का, एक साल के लिए, और वैलिड फ्रॉम देखिए लिखा हुआ 30 जून 2018। इसके अलावा यह हेल्थ सर्व गाइड भी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि कैसे क्या दिक्कत हो तो क्या करना चाहिए। इसके अलावा इसमें कैलेंडर वगैरह भी है, इमरजेंसी गाइड है, अपने नियर बाय ब्लड सेंटर, एम्बुलेंस, नियर हॉस्पिटल, ये सब का इसमें रखना चाहिए लिख के पूरा, मेडिकल कैलेंडर, वैक्सीनेशन कैलेंडर पूरा दिखा। और ये अगर खुदा ना खास्ता आपको ज़रूरत पड़े तो आप कैसे क्लेम वगैरह लें, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पैनल के हॉस्पिटल में जाके कैशलेस ट्रीटमेंट ही लें। मान लीजिए आप किसी ट्रैवल में गए हैं, किसी उसमें गए हैं, घूमने कहीं गए हैं, तो वहाँ पर भी आप अपना इलाज करवा सकते हैं। ये देखिए पूरी लिस्ट भी दी गई है, पूरे ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट हैं हमारे, वहाँ पर आप पूरा लिस्ट कौन कौन से अस्पताल है, कहाँ हैं, और ये काफ़ी डायग्रामेटिकली ये बताया भी गया कि कैसे क्लेम प्रोसेस होगा, कैसे क्या होगा। मुझे तो आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने एक और इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अपने एक जानने वाला का करवाया था, मेरे रिलेटिव का, मैंने खुद ही उसका करवाया था और उसकी ज़रूरत पड़ी। और जब उसके वो काफ़ी हेल्दी था, जब वो बीमार पड़ा और उसका लगभग 30-40 हज़ार का खर्चा आया, और जो कि पूरी तरह कैशलेस था, यहीं लखनऊ में ही उसका इलाज हो, तब काफ़ी लोगों को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है और वो करवाना चाहिए। ये यूनिवर्सल सॉम्पो हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक से मैंने लिया था। आशा है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैंने आप लोग को एक जानकारी देने के लिए ये प्रयास किया है। ये एक छोटा सा बस वीडियो था, इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि आप कैसे हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। जो मिथ था वो मेरा मिटाना चाह रहा था कि काफ़ी कम पैसे में सालाना आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। काफ़ी डिटेल इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। और आपके पास अगर पैसा और आप इसमें लगा सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, तो 1,00,000 तक आप इनकम टैक्स में बचत भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में शेयर करिए, अपने सारे रिलेटिव, सारे जानने वालों को इंस्पायर करिए कि वो हेल्थ इंश्योरेंस लें। मेरा ये वीडियो उनको भेजें जिनसे उनके पता लगे कि ये हेल्थ इंश्योरेंस इतना कोई महंगा भी नहीं है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं वो जाके, उसमें कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है।
और ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में हम ITR रिटर्न की बात करेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस पे डिटेल वार्ता करेंगे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।